हेलो गाइस, मैं हूँ जितेंद्र एंड वेलकम टू स्टेप सेल्स चैनल विद अनदर बिजनेस आइडिया। आज हम पैक ड्रिंकिंग मिनरल वाटर बोतल प्लांट और जार वाटर मिनरल प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले और भी देख लेते हैं, आज हम इस प्लांट में काम आने वाली प्रत्येक मशीन का यूज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मिनरल वाटर एंड TDS स्केल, सेकेंडरी टाइप्स ऑफ मिनरल वाटर प्लांट्स, थर्ड नंबर पे कॉस्ट ऑफ जार एंड कैंपर वाटर मिनरल प्लांट, फोर्थ नंबर पे पैक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल प्लांट, इसमें फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, सीलिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, लेबोरेटरी सेटअप के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ नंबर वे टू स्टार्ट दिस बिजनेस, सिक्स नंबर पे प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, सेवन नंबर पे लाइसेंस एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे और एट नंबर पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी पैक ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बिस्लेरी, पेप्सिको का, एक्वाफिना, नेचुरल वाटर आदि की तरह आप भी अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी पे वर्क करना पड़ेगा। गाइस, ब्रांड बनने के लिए बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, जैसे आपकी कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट भी अगर पॉपुलर हो जाता है तो जब इन फ्यूचर जब कभी भी आप अपनी कंपनी का कोई एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको मार्केट में सेल होने में आसानी होती है। बिस्लेरी का स्लोगन है प्ले सेफ, इट मीन्स अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको क्वालिटी मिलेगी, आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बेनिफिट पहुंचाएगा और हम क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से एक्वाफिना पेप्सिको का ब्रांड है और उसका स्लोगन है मेक योर बॉडी हैप्पी, ड्रिंक मोर वाटर। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल वाटर क्या है। बेसिकली मिनरल वाटर में बॉडी के लिए एसेंशियल मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड आदि वाटर में स्मॉल अमाउंट के रूप में कंटेन होते हैं। इनकी मात्रा नहीं तो अधिक होनी चाहिए, नहीं बहुत कम होनी चाहिए, दोनों ही हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इनकी मात्रा वाटर में एक निश्चित रूप में होनी चाहिए। TDS एक स्टैंडर्ड है जिससे वाटर का टेस्ट डिसाइड करते हैं। TDS स्केल की रेटिंग देखते हैं, अगर एक लीटर में 300 मिलीग्राम से कम मिनरल्स हैं इसका मतलब वो एक्सीलेंट वाटर है, और अगर 300 से 700 के बीच में हैं तो वो भी हेल्दी हैं, अगर 700 से 900 के बीच में हैं तो वो ठीक ठाक हैं, अगर एक लीटर में 900 से 1200 मिलीग्राम है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो 1200 एक लीटर में 1200 मिलीग्राम है मिनरल्स तो वो अनएक्सेप्टेबल है, वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो देखा होगा अलग अलग ब्रांड में मिनरल वाटर का टेस्ट डिफरेंट होता है, मे भी हो सकता है बिस्लेरी का टेस्ट नेस्टले से बेस्ट हो। आइए अब एक अच्छी मिनरल वाटर प्लांट की खासियतों के बारे में बात करते हैं। रॉ वाटर टैंक से वाटर को पंप से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में डाला जाता है, जहाँ उसे प्रेशर सैंड फिल्टर और अदर फिल्टर द्वारा फिल्टर किया जाता है, उसके बाद उसे RO रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में प्रोसेसिंग की जाती है और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजर UV सिस्टम में वाटर की प्रोसेसिंग की जाती है और इस सिस्टम के थ्रू बैक्टीरिया और वायरस आदि को रिमूव किया जाता है। इसके बाद ओजोन जनरेटर के थ्रू फर्दर अगर कोई बैक्टीरिया रह जाता है तो उसे ओजोन जनरेटर से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में वाटर सैंपल का इंफेक्शन किया जाता है, फाइनली प्रोडक्ट को पंप के थ्रू फिलिंग सेक्शन में प्रोसेस कर देते हैं। वाटर मिनरल प्लांट आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट मिनरल वाटर प्लांट जार और कैंपर के साथ, सेकंड पैक मिनरल वाटर बॉटल प्लांट और कैंपर की जार के साथ। मिनरल वाटर प्लांट आप जार और कैंपर मार्केट में सप्लाई करके भी शुरू कर सकते हैं, इसमें भी अलग अलग कैपेसिटी के प्लांट अवेलेबल हैं। मिनरल वाटर प्लांट की कॉस्ट देख लेते हैं, 500 लीटर पर आवर प्लांट प्रो ड्रिंकिंग वाटर प्लांट RO सिस्टम कंप्लीट इन FRP सिस्टम, इसकी प्राइस आपको 3.5 लाख रुपए पड़ेगी। 1000 लीटर पर आवर प्लांट फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट RO सिस्टम कंप्लीट इन FRP सिस्टम, इसकी आपको प्राइस 5 लाख रुपए पड़ेगी। 2000 लीटर पर आवर प्लांट फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट RO सिस्टम कंप्लीट इन FRP सिस्टम, इसकी प्राइस आपको समथिंग 8.5 लाख रुपए के अप्रोक्स पड़ेगी। एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, इसमें एक्स्ट्रा हेड एक्चुअल लगेगा। आइए 20 लीटर जार के कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ वाटर आपको 3.20 रुपये पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1 रुपये पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन 1 रुपये है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 पैसे, एक्स्ट्रा कॉस्ट 40 पैसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 रुपये 20 पैसे, सेलिंग कॉस्ट 20 रुपये, और इसमें मार्जिन होगा आपको 13 रुपये और 80 पैसे। 20 लीटर के जार का कॉस्ट और मार्जिन अलग अलग एरिया वाइज अधिक भी हो सकता है। टैंक मिनरल वाटर प्लांट की बात करें तो इसमें आप मशीनरी का फ्लो चार्ट देख सकते हैं। पेट्रोलिंग मशीन से लेकर लेबलिंग मशीन, सिंक रैपिंग करके क्लीन किया जाता है। फिलिंग मशीन सेक्शन में बॉटल को मिनरल वाटर से ऑटोमेटिकली फिलिंग की जाती है। कैपिंग मशीन के थ्रू बॉटल की कैप को बॉटल पर फिक्स किया जाता है। इसके बाद लेबलिंग के लिए वॉप लेबलिंग मशीन सेक्शन में बॉटल पर ऑटोमेटिक लेबलिंग के लिए भेजा जाता है। लेबल को बनाने में PE पॉलीएथिलीन प्लास्टिक फिल्म का यूज किया जाता है। इस मशीन से लेबल पर कंपनी का एड्रेस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रिंट किया जाता है। आप चाहे तो मशीन खरीद भी सकते हैं और नहीं तो लेबल प्रिंटिंग सर्विस सप्लायर से लेबल प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद डेट प्रिंटर से पेड बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट प्रिंट करते हैं। ये डेट प्रिंटर मशीन ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों टाइप में आती है। फाइनली सिंक रैपिंग मशीन से बोतल को 6-6 या 12-12 के शेड के रूप में PE फिल्म से रैप करके पैक कर दिया जाता है और वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है। अब हमारा प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। पैक मिनरल वाटर प्लांट की कॉस्ट 12 लाख से 2 करोड़ है। इसमें 2000 लीटर पर ओवर से 20000 लीटर पर ओवर वाटर का प्रोडक्शन प्लान। 1 लीटर की बोतल का प्रॉफिट और मार्जिन देख लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू एरिया क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू। बोतल और कैप की प्राइस बढ़ेगी 3 रुपये 5 पैसे, श्रिंक लेबल 2 पैसे, श्रिंक कैप 8 पैसे, RO वाटर 16 पैसे, पैकिंग कॉस्ट 67 पैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 पैसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट 4 रुपये 29 पैसे, सेलिंग कॉस्ट 5 रुपये 84 पैसे, और मार्जिन होगा 1 रुपये और 56 पैसा। वाटर मिनरल प्लांट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप SSI रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ISI सर्टिफिकेट ज़रूर लें, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ISI सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इवन अगर आप जार और कैंपर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट नहीं होने पर प्लांट को सीज कर दिया जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो आप अपने प्रोडक्ट को होटल, शॉप, रेस्टोरेंट्स, वेडिंग से